हेलो बच्चों, तो मैं बात कर रहा था क्रिस्टल जालक। आज हम बात करेंगे क्वेटा किसकी, क्रिस्टल जालक की। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, क्रिस्टल जालक होता क्या है। हमें क्रिस्टल जालक होता क्या है, तो क्रिस्टल जालक जो है क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, एक ठोस है। ठोस में कण होते हैं, अव्ययी कण। अव्ययी कणों की जो ज्यामिति होती है काय में, आकाश में बेटा। आकाश यानी कि स्पेस, फ्री स्पेस में, त्रिविम में जो ज्यामिति इनकी बनती जाती है, बनती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। देख, जो हमें त्रिविम में ज्यामिति मिलती जाएगी उसी को बोलते हैं बेटा क्रिस्टल जालक। जाल जैसा बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, जाल जैसा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। बनता जाएगा और बनता ही चला जाएगा। जब तक बनता जा रहा है हमें बनाते रहना है, से ये क्रिस्टल जालक बनता जाएगा। ठीक है बालक, क्या बनेगा, क्रिस्टल जालक। ये क्रिस्टल जालक बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा क्रिस्टल जालक। यानी अव्ययी कणों की, ठोस के अव्ययी कणों की आकाश में बनी ज्यामिति क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तीन प्रकार का होता है बेटा, देखो। एक विमीय भी हो सकती है यानी वन डायमेंशनल, दो विमीय भी हो सकती है टू डायमेंशनल, और त्रिविमीय भी हो सकती है तो थ्री डायमेंशनल। यदि बेटा एक विमीय है तो सीधी सीधी रेखा होगी, होगी। यदि बेटा दो विमीय है तो दो डायमेंशन में होगी, यानी एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। तो बेटा ये इधर भी बढ़ रही है और इधर भी बढ़ रही है, दो विमीय हो गई। तो ये कैसी हो गई, दो विमीय है। कैसी हो गई बेटा, दो विमीय। और हम अगर बात करते हैं त्रिविमीय की, तो बेटा तीनों विमाओं में जो बड़े, तो देखो बेटा ये तीन विमाओं में बढ़ता जाएगा। तीनों विमाएं दिख रही हैं आपको, तो ये क्या हो गई बेटा, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक होता क्या है बेटा, किसी भी ठोस के अव्यय कणों की आकाश में जो ज्यामिति बनती है अपने आप, उसे बोलते हैं क्रिस्टल जालक। अब हम बात करें बेटा एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका बोलते हैं, या इकाई सेल भी बोलते हैं बेटा, इकाई सेल, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। तो क्या होती है, तो बेटा त्रिविम जालक में जो जिस एक आकृति की बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसी की हो रही है, सारे क्यूबी क्यूब हैं, उसी को बोलते हैं बेटा एकक कोष्ठिका। क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल। तो ये जो मैंने ये कर दिया शेडेड, ये क्या हो गया, एकक कोष्ठिका। तो बेटा यही होता है एकक कोष्ठिका। तो हमें समझना क्या बेटा, क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक अव्ययी कणों की पूरे स्पेस में, ब्रह्मांड में फैली एक आकृति बनी बनाई, उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के होते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल सिंपल रेखा, टू डायमेंशनल दोनों तरफ बड़े जो दो विमाओं में, और थ्री डायमेंशनल तीनों विमाओं में जो बड़े। अब मैंने बोला एकक कोष्ठिका या इकाई सेल क्या होती है, तो बेटा जिस आकृति की बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो, उसी आकृति को क्या बोलते हैं बेटा, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट सेल जुड़े होते हैं, तो इसी को बोलते हैं बेटा इकाई सेल। तो बेटा आज का टॉपिक तुम्हारा क्रिस्टल जालक ही है।